हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक इन अवर यूट्यूब चैनल ओनली वर्ड्स सवाई, जहाँ पर हम रोज बात करते हैं कार्स के बारे में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं हुंडई वर्ना के टॉप सेलिंग मॉडल के बारे में। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि आप हुंडई वर्ना के टॉप सेलिंग मॉडल में कितनी मिनिमम डाउन पेमेंट कर सकते हैं, और डाउन पेमेंट करने के बाद जो उसका लोन अमाउंट निकलेगा वो आपका कितना होगा, और उस लोन अमाउंट की जो मंथली लोन ईएमआई बनेगी वो अगले 5 सालों में कितनी बनेगी और अगले 7 सालों में कितनी बनेगी। दोस्तों तो दोस्तों पेमेंट से रिलेटेड ऐसी जानकारी पाने के लिए अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हुंडई वर्ना के जो टॉप सेलिंग मॉडल में आपको एक शोरूम प्राइस पड़ रही है वो पड़ रही है 12,53,000 रुपये, और इसका RTO चार्ज है न्यू दिल्ली का 1,62,890 रुपये, और इसका इंश्योरेंस का प्राइस है 58,868 रुपये, और इसका अदर्स का प्राइस है 12,530 रुपये। तब जाके इस कार की जो टोटल ऑन रोड अमाउंट बनता है न्यू दिल्ली में वो बनता है 14,87,288 रुपये। हुंडई वर्ना का जो टॉप सेलिंग मॉडल था उसमें जो आपको मिनिमम डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी वो डाउन पेमेंट आपको 1,49,000 रुपये की करनी पड़ेगी। तब जाके जो आपका डाउन पेमेंट करने के बाद लोन अमाउंट निकलेगा वो लोन अमाउंट निकलेगा 13,38,288 रुपये। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं अपनी EMI कैलकुलेटर लिंक पर, जहाँ पर आप होम लोन, पर्सनल लोन और कार लोन जैसे लोन की EMI बहुत ही आसान तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम लोग अपने कार लोन की EMI कैलकुलेट करनी है, तो हम लोग यहाँ पे कार लोन का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। कार लोन के ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद जो फर्स्ट ऑप्शन आता है कार लोन अमाउंट एंटर करने का, तो हम लोग जो कार का टॉप सेलिंग मॉडल था वो हम लोग उसके कार का लोन अमाउंट यहाँ पे एंटर कर देते हैं। तो हम लोग कार का जो टॉप सेलिंग मॉडल का कार लोन अमाउंट था वो हम लोग यहाँ पे एंटर कर दिया है। इसके बाद जो हम लोग का नेक्स्ट ऑप्शन आता है इंटरेस्ट रेट एंटर करने का, तो दोस्तों जो हम लोग अपना इंटरेस्ट रेट लेने वाले हैं वो 8% लेने वाले हैं, क्योंकि सभी बैंकों का जो इंटरेस्ट रेट होता है वो नियर अबाउट 8% ही होता है। और जो हम लोग का लोन टेनर होने वाला है तो हम लोगों का जो लोन अमाउंट है वो ज़्यादा नहीं है, तो हम लोगों का जो लोन टेनर होने वाला है वो अगले 5 सालों के लिए होने वाला है। तो अगले 5 सालों में जो हम लोगों की लोन EMI कैलकुलेट होकर आती है वो लोन EMI कैलकुलेट होकर आती है 27,136 रुपये पर मंथ अगले 5 सालों के लिए कैलकुलेट होकर आती है। इसके साथ जो हमारा टोटल इंटरेस्ट अगले 5 सालों में बनेगा वो बनेगा 2,89,851 रुपये, और हमारी टोटल पेमेंट बनेगी प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट अमाउंट मिला के 16,28,139 रुपये बनेगी। इस कार में अगले 5 सालों में आपको 17.8% टोटल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा और 82.2% इसका प्रिंसिपल अमाउंट होगा। दोस्तों अगर हम लोग अपने कार लोन का जो लोन पीरियड था वो हम लोग अगले 7 सालों के लिए कर दें, तो अगले 7 सालों में जो हम लोग की मंथली लोन EMI कैलकुलेट होकर आती है वो आती है पर मंथ 20,869 रुपये पर मंथ की हमारी अगले 7 सालों के लिए EMI कैलकुलेट होकर आती है, और हमारा टोटल इंटरेस्ट पे करने को आता है अगले 7 सालों में 4,13,855 रुपये, और हमारा टोटल पेमेंट बनती है प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट अमाउंट मिला के वो बनती है 17,52,153 रुपये, और अगले 7 सालों में 23.6% इसमें टोटल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा और 76.4% आपको इसमें प्रिंसिपल अमाउंट पे करना पड़ेगा। दोस्तों ऐसी और जानकारी पाने के लिए आप इस वीडियो को दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसी और भी जानकारी पाने के लिए आप हमारे इस YouTube चैनल ओनली मोटर्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन को भी ऑन प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों मैं अपनी इस EMI कैलकुलेटर लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके चेकआउट करके अपनी लोन की EMI बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, इसी के साथ मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो में।